बड़े ननिहाल हैं, हम जंगल जा रहे हैं भैया, घर पे रह करके माता पिता की सेवा करो, तुम यहीं पर रहो। तो लक्ष्मण जी ने कहा, मैं माता पिता को नहीं जानता, गुरु पितु मातु न जानऊ का हो, गुरु पितु मातु न जानऊ का हो, तहु सुभावनाथ पतिया हो, तहु सुभाव नाथ पतिया हो, मोरे सबहिए आपको मानते हैं। कहने लगे, मैं उनका दास भी हूं, से पढ़कर जब आ गई तो क्या कहा, सुंदर सोनु मजहू नगर दासा, सुंदर सोनु नगर से सुनेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा, राम जी हमारे हैं और मैं राम का हूं, दोनों संबंध। और जब हनुमान जी से पूछा गया कि आप राम जी के आप क्या हैं, उन्होंने कहा, दासो हम कौशलेंद्र से, मैं कौशलेंद्र का दास हूं। और यही बात उन्होंने कहा था भरत जी से कि दीन बंधु रघुपति कर की है, दीन बंधु रघुपति कर की है, दीन बंधु रघुपति कर की है। हनुमान जी कह रहे हैं, मैं उनका दास हूं, कहे वो आपके मालिक हैं। कहने लगे, नहीं मान सकता, पता नहीं वो हमको मानते हैं कि नहीं मानते हैं, लेकिन मैं उनका दास अपनी तरफ से हूं। ध्यान दीजिएगा, जहां लक्ष्मण जी दोनों संबंधों पर दावा करते कि राम जी हमारे हैं और मैं राम का हूं, वही हनुमान जी कह रहे हैं, नहीं राम जी हमारे हैं कि नहीं ये उनके ऊपर है, लेकिन मैं उनका सेवक जरूर हूं, मैं उनका किंकर हूं। और यही बात जब भैया भरत जी से पूछा गया, हमारे भैया भरत की जरा श्रद्धा भी देखिए, जैसे हमारे हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके गए और बाद में जब अपना स्वरूप बताया तो भरत जी ने क्या पूछा हनुमान जी से, हमारे भैया भरत ने कहा, हे हनुमान, क्या हमको कभी याद करते हैं सरकार? अरे सुनो कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुनो कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुमी रही मोहि दास की नाई, सुमी रही मोहि दास की नाई, सुमी रही मोहि दास की। ध्यान रखिएगा, जहां लक्ष्मण जी कह रहे हैं मैं उनका दास हूं, वो हमारे मालिक हैं, वही हनुमान जी कह रहे हैं, नहीं मालिक हैं कि नहीं हैं, मैं उनका दास हूं। और वही भैया भरत कह रहे हैं, मैं दास होने का भी दावा नहीं कर सकता। अरे सुनो कपि कबहु कृपाल गोसाई,
इसलिए मित्रों आज पहली सभा में आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आप भगवान की अपनी तरफ से बन जाएंगे, वो आपको बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे वो तो उनके ऊपर है, लेकिन आप तो बन जाइए। आप कहिए हम आपके हैं, बार बार चिल्ला के कहिए, पूजा में बैठिए तो बार बार कहिए सरकार हम आपके हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। ये न कहना कि हम पे सहारे हैं, ये बड़ी सावधानी से सुने। जैसे किसी भवन का फाउंडेशन मूल बहुत महत्व रखता है नींव, वैसे राम कथा की नींव। अब आप समझे जरा सा, राम की कथा मित्रों चार जगह पर हुई, चार जगह। सबसे पहले राम की कथा हुई कैलाश पर्वत के उत्तुंग शिखर पर, कथावाचक भूतिभावन शशांक शेखर अवधारी भगवान शिव ने श्रोता के रूप में खोड़सी महाखोड़सी त्रिपुर सुंदरी अंबा जगदम्बा माँ भगवती पार्वती है। दूसरी कथा फिर हुई नीलगिरी पर्वत पर, कथावाचक परम भागवत का भुषुंडी जी महाराज है और श्रोता गरुण जी और अन्य पक्षी है। तीसरी जगह फिर कथा हुई कथावाचक परम ज्ञानी ब्रह्मर्षि महाराज याज्ञवल्क जी हैं, श्रोता के रूप में बैठे हुए महान ऋषि भारद्वाज जी अन्य संत लोग बैठे हैं। कथा फिर नीचे उतरी, कथावाचक गोस्वामी तुलसीदास जी हैं और अपने दुष्ट मन को सुना रहे हैं, सुनब संकट सठ मना, ऐ दुष्ट मन तू भगवान की कथा को सो। याद रखना कैलाश पर्वत की ऊंचाई मित्रों 29,000 कुछ फीट की ऊंचाई है, कथा इतनी ऊंचाई पर हो रही है, इतनी ऊंचाई पर सब लोग जा सकते हैं, सब लोग नहीं जा सकते। कथा बहुत ऊंचे स्थान पर हो रही है, भगवान शिव सुना रहे हैं पर अंबा भगवती सुन रही हैं, लेकिन कथा फिर थोड़ी सी नीचे उतरी नीलगिरी पर्वत पर हुई। नीलगिरी पर्वत कैलाश से नीचे का पर्वत है और वहां कथा हुई। इसके बाद में फिर कथा नीचे उतरी प्रयागराज में हुई, कथावाचक याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी श्रोता के रूप में हैं और कथा फिर नीचे उतरी जन सामान्य के लिए और हमारे गोस्वामी तुलसी बाबा कथा सुना रहे हैं।
कि सुनई संकट सत मना। सामान्य लोगों के लिए कथा सुना रहे, याद रखिएगा, जैसे राम की कथा नीचे उतरती गई संसार के जीव मात्र के कल्याण के लिए, वैसे गंगा जी भी नीचे उतरती गई। गंगा जी पहले कहाँ थे? गंगा जी पहले ब्रह्मा जी के कमंडल में, ब्रह्मलोक में थी। भागीरथी ने जब तपस्या किया भागीरथ ने, तो गंगा जी फिर नीचे उतरी। कहाँ आई? कैलाश पर्वत पर बैठे भूत भावन भगवान शिव की जटा में आई। फिर भागीरथ ने तपस्या किया तो गंगा जी फिर नीचे उतरी और हरिद्वार प्रयागे से गंगा सागर संगमे गंगोत्री में उतरकर हरिद्वार होते हुए प्रयागराज होते हुए गंगा सागर को चली गई। याद रखिएगा, जैसे भगवान की कथा जीव मात्र के कल्याण के लिए स्टेप बाय स्टेप कम से नीचे उतरती गई, वैसे भगवान की कथा भी स्टेप बाय स्टेप नीचे उतरती गई, वैसे मेरे राम जी भी इसी तरह नीचे उतरते चले गए। पहले राम जी कहाँ उतरे? पहले राम जी राजाधिराज चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के आंगन में उतरे। याद रखिएगा, नागरिकों के यहाँ आए, बुद्धिमानों के यहाँ आए, शहरी वातावरण में आए। सरकार से भक्तों ने कहा, अब तो आप नागरिकों से मिल लिए, पढ़े लिखे लोगों से मिल लिए, अब गो बैक, अब सरकार वापस से लिए। हमारे सरकार ने कहा, नहीं, नागरिकों से तो मिल लिया, अब जरा गंवार से भी मिलना है। कहीं गंवार कहाँ रहता है महाराज? हमारे सरकार ने कहा, गंगा के रेतीले भूमिखंड में नाव को चलाकर जो अपना परिवार पालता है, ऐसे गंवार केवट से भी मिलना है, उस केवट से भी मिलना चाहता हूँ। हमारे सरकार कथा में मस्ती के लिए मत आइए, कथा जीवन बदलती है। अगर पारस पत्थर लोहे को सोना नहीं बना पाया तो वो प्योर पारस नहीं है, या तो प्योर लोहा नहीं है, या दोनों को कायदे से कोई मिलने नहीं दे रहा है। वरना पारस टच करे लोहे को और लोहा कुंदन न बन जाए। याद रखिएगा, कथा में अगर आओगे, कथा जीवन बदलती है, चाल बदल देती है, चरित्र बदल देती है, सोना रोना धोना बदल देती है। अगर नहीं बदला तो जैसा बोलना चाहिए वक्ता नहीं बोल पाया है, या जैसा सुनना चाहिए श्रोता नहीं सुन पाया है, या उन दोनों के बीच में जरूर कोई दिक्कत है जो परेशान कर रही है, ना आपको कायदे से सुनने दे रहा है, ना हमको कायदे से बोलने दे रहा है। याद रखिएगा, वरना मज्जन फल पेखी तत काला, काक होई पिक बकऊ मराला। कौवा कोयल बन जाती है। अच्छा ये बताओ, कौवा सफेद रंग का होता है? अब इस पर भी सोचोगे तो बोलो यार, सही बताया। कौवा काले रंग का होता है और कोयल काले रंग की होती है। कौवा कोयल बनता है, यानी रंग नहीं बदलता, आवाज बदल जाती है, स्वभाव बदल जाता है, ढंग बदल जाता है। जितने लंबे चौड़े हो उतने ही रहोगे, जितने काले गोरे हो उतने रहोगे। कैरेक्टर बदल जाएगा, चरित्र बदल जाएगा, रहनी लेविन बदल जाएगी। ये सिखाती है राम कथा। धर्मानुरागी बंधु, इसलिए निवेदन कर रहा हूँ, काक होई पिक बकऊ मराला। बकुला भी व्हाइट सफेद होता है, हंस भी सफेद होता है, बकुला हंस बन जाता है, रंग नहीं बदलता, जीवन का ढंग बदल जाता है मित्रों। इसलिए कथा को मनोरंजन की दृष्टि से मत आइए, ये मनोरंजन नहीं है, ये मनोमंजन है। यहाँ मन को मजा जाता है, ये मन बहलाने का आयोजन नहीं है, ये मन को नहलाने का आयोजन है। अगर मन नहीं नहाया तो फिर आप केवल प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। इसलिए निवेदन कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, हमारी एक आध बात बुरी लगे तो बुरा मत मानिएगा। आपके अच्छे के लिए थोड़ा सा कड़ा कड़ा भी बोल रहा हूँ, इसलिए कड़ा नहीं बोलूंगा। अगर खेत बहुत कड़ा हो प्रिंसिपल साहब, तो उसमें फसल पैदा होगी? नहीं होगी।
बंजर जमीन पर जब तक नुकीला हल नहीं चलेगा और खेत को मुलायम नहीं करेगा तब तक सद्धर्म की खेती नहीं लहलहा सकती जी, नहीं लहलहा सकती। अगर सद्धर्म की फसल को उगानी है तो जो हृदय आपका कठोर और सलीद हो गया है, संतों महापुरुषों के तीखी हल रूपी वाणी को सहना पड़ेगा और खेत को मुलायम बनाना ही पड़ेगा, तब जीवन में सद्धर्म की खेती लहलाएगी। मित्रों इसलिए निवेदन कर रहा हूँ, कथवत आप भूल ही गए होंगे कहाँ चल रही हमें याद है, लेकिन हम याद रखते हैं कथा, हम भूल जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ। हमारे सरकार ने कहा गवार केवट से ही मिलता है, याद रखिएगा। राम को आज लोग जातीयता में बांध रहे हैं, राम को लोग क्षेत्रवाद में बांध रहे हैं, राम को लोग भाषा में बांध रहे हैं। ऐसे लोगों के आपके पावन मंच से ये देना चाहता हूं उत्तर, राम किसी क्षेत्र के नहीं थे, किसी जात के नहीं थे, किसी भाषा के नहीं थे, राम सबके थे। धर्मांगी बंगलों सबके थे, सबके हैं और सबके रहेंगे। सनातन धर्म का नारा है सर्वे भवन सुखिना सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। राम पर राजनीति करना बंद कर दो, राम सबके हैं, तुम नहीं राम को मानते हो तो सूरज को तुम अंधे हो, तुम्हें सूरज नहीं दिखाई दे रहा। एक बार उल्लुओं ने अपने यहाँ सभा किया, पंचायत किया और घोषणा कर दिया कि सूरज नाम की कोई चीज नहीं है, न हमारे बाप ने सूरज को देखा, न हमारे दादा ने देखा, न हमारे परदादा ने देखा, तो उल्लुओं की मीटिंग से सूरज की सत्ता खत्म हो जाएगी क्या? अब बताए, इसलिए उल्लू मत बनाओ, आंख को खोल के रखो, राम के रामत्व को समझो। मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ, शुद्ध पारमार्थिक सत्संग का ये मंच है, जीवन के सुधारने का मंच है, इसलिए मैं चाहूंगा हमारे राम जी ने कहा गवार केवट से मिलना, और जब गवार केवट से मिल लिए तब सरकार से कहा गया अब तो वापस चलो ना, सरकार ने कहा नहीं, गवार से भी नीचा दिखाना होता है, तो लोग कहते हैं बिल्कुल जंगली हो गए हो, तो जरा जंगलियों से मिलना है। कहें जंगली कौन? कहीं यह सूधि को लकी रात पाई, से जनू न मनी थी घर से मिलते, भीलों से मिलते, और जब जंगलियों से मिल लिए तो पूछा गया सरकार अब तो वापस चलिए ना, जंगलियों से मिले। पूछा गया बोला कि अब तो जंगली से मिले, अब किससे मिलोगे, अब कितने नीचे जाओगे? सरकार ने कहा जंगली से भी जिसको नीचा समझते हैं लोग, कहते हैं बिल्कुल पशु हो गए हो, तो जरा भी पशुओं से मिलना है, और हमारे सरकार बंदर और भालुओं से मिलते हैं धर्मानुरागी बंधु। और जब पशुओं से मिल लिए तो पूछा गया महाराज जी अब तो लास्ट स्टेज है, पशु से नीचे कौन होता है? सरकार ने कहा नहीं, एक सीढ़ी और नीचे उतरना है, जिसको पशु से भी ज्यादा नीचा समझते हैं लोग, कहते हैं बिल्कुल राक्षस हो गए हो कि, तो जरा राक्षसों से मिलना है। कहे राक्षस कहाँ रहते हैं सरकार? कहे लंका निसी चरण कर बंधुओं, आपने देखा हमारे सरकार कैसे नीचे उतरते गए, कैसे नीचे उतरते गए, समाज के अंतिम व्यक्ति तक हमारे राम जी पहुंचे हैं, याद रखिएगा। राम राज्य का पहला नागरिक केवट है, जैसे बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती नरेश के सामने सामान्य प्रजा का आदमी बोल नहीं सकता था,
उसके सामने वो डिराई कर रहा है। कह जी इसीलिए सरकार केवट के सामने आने से पहले सुमंत को जबरदस्ती भेज दिया। यार सामंतवादी राज्य के महामंत्री हो, आप खड़े रहोगे तो बोल नहीं पाएगा, इसलिए महाराज आप जाइए। बरबस राम सुमंत को केवल ताप टूटाप नहीं कर पाएगा हमसे, ध्यान रखिएगा ये मेरे नाम है। और आज राम की कथा आपके मेलहम की इस इंटर कॉलेज परिसर में हो रही है। बंधुओं, कथा वाचक मैं बहुत कोई संत महात्मा धर्माचार्य नहीं हूं, आपके बीच का ही हूं। आपने कृपा पूर्वक हमको ऊपर बैठा दिया, आप नीचे बैठे हुए, ये आपकी महानता है। तराजू का पल्ला हल्का होता है तो ऊपर उठ जाता है, जो भारी होता है वो नीचे चला जाता है। इसलिए तराजू के पल्ले की तरह हम हल्के होके ऊपर बैठे हैं। आप इस पर मत जाइएगा, निवेदन कर रहा हूँ। आइए, सबसे पहले आपको ले चलते हैं कहाँ, यहाँ राम कथा। अच्छा, कथा क्यों सुननी चाहिए, कथा का आयोजन क्यों होना चाहिए? कथा इसलिए सुननी चाहिए, गौर से सुनिए, अब कथा शुरू हो रही है, कि भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा, संसार, और सागर माने समुद्र। ये संसार समुद्र की तरह, बड़े गौर से सुनिएगा, भव सागर लोग चिल्लाते हैं, बचपन से मैं भी सुन रहा था, भव सागर समझ ही नहीं पा रहा था, सच बता रहा हूँ, बहुत बात में समझा हूँ, आप भी आप समझ लीजिए। भव सागर चिल्लाते हैं लोग, भव सागर है क्या? भव माने संसार और सागर माने समुद्र। जैसे समुद्र ऊपर से बड़ा धवल धवल निर्मल निर्मल उज्जवल उज्जवल चमकता हुआ दिखाई देता है ऊपर से, वैसे ये संसार भी ऊपर से चमकता दमकता दहकता और सुख और भोग से युक्त दिखाई देता है। मित्रों, ठीक उसी तरह जैसे समुद्र है वैसे ये संसार है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, भव सागर कहते हैं, संसार सागर कहते हैं। दो बार भगवान का नाम ले, श्रीमंद नारायण 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 संसार, सागर माने समुद्र। भव सागर क्यों कहते हैं जोड़कर, इसलिए कि जैसा ये समुद्र उज्जवल उज्जवल निर्मल निर्मल चमकता हुआ दिखाई देता है, वैसे ये संसार भी
चमकता हुआ दमकता हुआ सुख भोग की तरह दिखाई देता है, बड़ा आनंद है। लेकिन सावधान, समुद्र भले धवल हो, भले निर्मल हो, भले चमक रहा हो, लेकिन सावधान, समुद्र का पानी पीने लायक नहीं होता है। ठीक उसी तरह से जैसे समुद्र का पानी पीने लायक नहीं होता, वैसे संसार ऊपर से भले अच्छा दिखाई देता हो, चमकता चमकता दिखाई देता हो, लेकिन मित्रों ये संसार भी जीने लायक नहीं होता। समुद्र का पानी पीने लायक नहीं होता है और संसार में जीने लायक नहीं होता है। इस समुद्र से पार होना, इस भव सागर से पार होना है। अच्छा एक चीज और आप बताएं, ध्यान दीजिएगा, सागर में ज्वार और भाटा होता है। कभी आप लोगों में से समुद्र लोग देखे होंगे, जो लोग गंगा सागर वगैरह गए होंगे, बॉम्बे गए होंगे, समुद्र में लहरें उठती हैं, कभी ऊपर उठती हैं और कभी नीचे जाती है। जो लहर ऊपर उठती है उसको ज्वार बोलते हैं, जो लहर नीचे जाती है उसको भाटा बोलते हैं। जैसे समुद्र में ज्वार भाटा की उत्ताल तरंगे और नीचे की तरंग होती है, ठीक उसी तरह इस संसार में भी कभी हम उन्नति के मार्ग पर ऊंचे उठते हैं और कभी पतन के रास्ते पर नीचे चले जाते हैं। धर्मानुरागी बंधुओं, यहां भी दोनों तरंगे उठती हैं जैसे समुद्र में उठती। आप कहोगे समुद्र की तरंग अपने मन से उठती है, नहीं, समुद्र की तरंग चंद्रमा से उठती, चंद्रमा के हिसाब से समुद्र उठता है और बैठता है। और हमारे जीवन में जो उत्थान पतन होता है वो चंद्रमा से नहीं, चंद्रमा मन सो जाता, मन का देवता चंद्रमा है। हमारे यहाँ जो उन्नति और पतन होता है वो हमारे मन के द्वारा होता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये मन से चाहे आप मुक्ति का मार्ग छोड़ ले लें और चाहे आप बंधन में पड़ जाएं धर्मानुरागी बंधो, तो याद रखिएगा जैसे चंद्रमा के माध्यम से समुद्र में कभी ऊंची तरंग नीचे तरंग उठती है, वैसे हमारे मन के माध्यम से हमारे जीवन में कभी कभी उत्थान होता है, उन्नति होती है और कभी कभी पतन होता है। हम पतन के गर्त में चले जाते हैं। तो पूछा गया, महाराज ये भवसागर से पार कैसे हुआ है, ये भवसागर खतरनाक है। तो बाबा से एक प्रतिनिधि मंडल पहुंचा, भक्तों का प्रतिनिधि मंडल, जैसे आजकल नेताओं के यहां लोग पहुंचते, वैसे प्रतिनिधि मंडल पहुंचा कि बाबा भव सागर पार हो सकते हैं। बाबा ने क्यों नहीं हो सकते, कह महाराज कोई उपाय बता दीजिए भव सागर पार होने के। तो बाबा ने कहा नोट कर लीजिए, आप भी नोट करके जाइएगा आज के कथा का जिस्ट बोल रहा हूं। भव सागर अगर पार करना चाहते हो तो पहला काम कीजिएगा, अरे भव सागर जह पार पार।